हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज 24 मार्च 2019 और यह हमारी 109वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है 21 मार्च। हाल ही में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में की थी। आपको बता दें, जो इस दिवस का उद्देश्य है वह है वनों और पेड़ों के महत्व को बताना है। आपको बता दें, 2019 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की जो थीम है वह है वन और शिक्षा। तो ये विश्व वन दिवस जो 21 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, उसकी थीम है वन व शिक्षा। तो इतना आपको विश्व वन दिवस के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस संगठन पर बैन लगाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है JKLF। हाल ही में कश्मीर के JKLF संगठन पर बैन लगाया गया है। इससे पहले जमात ए इस्लामी पर भी केंद्र सरकार ने बैन लगाया था। तो आपको याद रखना है, इन दोनों संगठन पर जम्मू कश्मीर में बैन लगाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में जलवायु नीति 2019 की लिस्ट में किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? जिसका सही ऑप्शन ये चारों हैं। हाल ही में पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, सुनीता नारायण और वंदना शिवा, इन चारों को जलवायु नीति 2019 के 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। आपको बता दें, पीयूष गोयल केंद्रीय रेलवे और कोयला मंत्री हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, सुनीता नारायण पर्यावरणविद हैं और वंदना शिवा ये पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। तो इन चारों को जलवायु नीति 2019 की 100 प्रतिभाशाली लिस्ट की व्यक्तियों की लिस्ट में हाल ही में शामिल किया गया है। तो इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में किस देश की महिला टीम ने सैफ फुटबॉल कप जीता है? जिसका सही ऑप्शन है भारत। हाल ही में हमारे देश की भारत की महिला टीम ने सैफ फुटबॉल कप जीता है। भारत ने नेपाल को हराकर यह कप जीता है। आपको बता दें, भारत ने यह खिताब 5वीं बार जीता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाल ही में 2019 का सैफ फुटबॉल कप भी भारत ने ही जीता है। अब ये सैफ फुटबॉल कप क्या होता है, इसके बारे में आपको बता दें। सैफ का फुल फॉर्म हिंदी में दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ होता है। इसकी स्थापना 1997 यानी 1997 में की गई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में है और जो सदस्य देश हैं उनके भी नाम आपको बता दें। सैफ फुटबॉल कप में सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान। ये सैफ जो सैफ फुटबॉल कप है उसके सदस्य देश हैं। तो इतना आपको सैफ फुटबॉल कप के बारे में याद रखना है कि हाल ही में भारत ने 5वीं बार यह कप अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में भारतीय विदेशी मुद्रा भंडारण कितने अरब डॉलर पहुंचा है? तो इसका सही ऑप्शन है 405 अरब डॉलर। हाल ही में भारतीय विदेश मुद्रा भंडार 405 अरब डॉलर पहुंचा है। इससे पहले मुद्रा भंडार 402.04 अरब डॉलर था, जो अब बढ़कर 405 अरब डॉलर पहुंचा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में होला मोहल्ला फेस्टिवल किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है पंजाब। हाल ही में पंजाब में होला मोहल्ला फेस्टिवल आयोजित किया गया था, जो हाल ही में संपन्न हुआ है। आपको बता दें, पंजाब के रूपनगर जिले में यह आयोजित किया गया था। इस फेस्टिवल में देश विदेश से लगभग 30 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। आपको बता दें, लोग इस त्योहार पर घोड़े, हाथी, ऊंटों पर करतब दिखाते हैं। तो आपको याद रखना है, होला मोहल्ला फेस्टिवल पंजाब में संपन्न हुआ है। अब ये पंजाब की बात आई है, तो मैं अपने आपको पंजाब के बारे में बता दें। ये जगह है पंजाब को दर्शाती है। पंजाब की स्थापना 15 अगस्त 1947 में की गई थी। गवर्नर हैं वीपी सिंह बडनौर। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह
और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। तो इतना आपको पंजाब के बारे में याद रखना है। और हाल ही में रूपनगर जिले में होला मोहल्ला फेस्टिवल का समापन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सी तोप 26 मार्च को सेना में शामिल की जाएगी? तो इसका सही ऑप्शन है धनुष तोप। हाल ही में धनुष तोप 26 मार्च को सेना में शामिल की जाएगी। आपको धनुष तोप के बारे में बता दें, ये दिन और रात दोनों में निशाना लगा सकती है। इसे मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनाया गया है और इस तोप की कीमत लगभग 14.5 करोड़ रुपए की समथिंग है। तो इतना आपको याद रखना है कि 26 मार्च को सेना में धनुष तोप शामिल की जाएगी, जिसे जबलपुर में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे भारतीय नेवी का चीफ बनाया जाएगा? जिसका सही ऑप्शन है करमबीर सिंह। हाल ही में करमबीर सिंह को भारतीय नेवी का चीफ बनाया जाएगा, ये सुनील लांबा की जगह लेंगे। 31 मई को सुनील लांबा रिटायर होंगे, उनके बाद वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को इस पद के लिए चुना गया है। आपको बता दें करमबीर सिंह को अति विशिष्ट सेवा मेडल भी मिल चुका है और अब ये भारतीय नेवी के चीफ होंगे सुनील लांबा की जगह। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं करमबीर सिंह जो भारतीय नेवी चीफ होंगे 31 मई के बाद। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ मिलकर सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, हाल ही में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के साथ मिलकर सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाएगा। इन चेक पोस्टों को मध्य प्रदेश के हरदा, अमरावती, देवास, खरगोन, बुरहानपुर के कुछ अफसर शामिल किए गए हैं जो इन चेक पोस्टों की देखभाल करेंगे। आपको बता दें लोगों के आने जाने में दिक्कत होने के कारण दोनों राज्यों में चेक पोस्ट बनाई जाएगी। भाषा संबंधी दिक्कत भी लोगों को होती है जिसके कारण ये चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। इन चेक पोस्टों को खास तौर पर चुनाव के कारण बनाया जा रहा है। अब ये चेक पोस्ट महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच बनाए जाएंगे। तो मैप में आपको महाराष्ट्र के बारे में बता दें, ये जगह महाराष्ट्र को दर्शाती है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। गवर्नर है विद्यासागर राव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। और हाल ही में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा पर चेक पोस्टों का निर्माण करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में वंदे मातरम ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी? जिसका सही ऑप्शन है भोपाल और दिल्ली। मध्य प्रदेश में जो दूसरी वंदे मातरम ट्रेन है भारत की, आपको याद रखना है वंदे मातरम ट्रेन जो दूसरी है भारत की, वह दिल्ली और भोपाल के बीच चलाई जा सकती है। आपको बता दें पहली वंदे मातरम ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई जा रही है और दूसरी अप्रैल में भोपाल और दिल्ली के बीच चलाई जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, वंदे मातरम ट्रेन की जो स्पीड है वह 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये आपको याद रखना है। और इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये दूसरी वंदे मातरम ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस महिला को राज्यपाल आनंदी बेन ने स्वर्ण पदक से नवाजा है? जिसका सही ऑप्शन है आयुषी त्रिवेदी। हाल ही में आयुषी त्रिवेदी को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने स्वर्ण पदक से नवाजा है। आपको बता दें हाल ही में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से, जो जबलपुर में है, सर्वाधिक अंक हासिल कर ये पहले स्थान पर आई है, जिसके कारण राज्यपाल आनंदी बेन ने इन्हें स्वर्ण पदक से नवाजा है। तो इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में आईपीएल का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? जिसका सही ऑप्शन है 12वां। हाल ही में आईपीएल का 12वां संस्करण शुरू हुआ है। आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग होता है और यह 2020 फॉर्मेट पर आधारित होता है। आपको बता दें टोटल 8 टीमें आईपीएल में हिस्सा ले रही हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, आईपीएल की शुरुआत 2008 में की गई थी और यह 2019 में 12वां संस्करण है। आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, सुरेश रैना ने आईपीएल में अब तक 4,985 रन बनाए हैं, जो किसी एक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रन हैं।
तो इतना आपको आईपीएल के इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।